सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम प्रिंस वडवाना। सॉरी गाइस, वापस चल कर चलो 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 वापस वापस वापस। तो चलो और एक बार, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम प्रिंस वडवाना। तो गाइस, मैं आज लेके आ गया हूँ आपका क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 अही सुधीर। देखो, आपको लग रहा होगा इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है हमें, क्या आने वाला है। तो मैं आपको अभी से थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, चैप्टर का नाम पहले आप पढ़ लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? अही सुधीर। अही का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि अही का मीनिंग क्या होता है। देखो, अही मतलब आना। कई जगह से हम किसी को बुलाना है, इधर आओ, मतलब कि आओ आओ सुधीर। सुधीर एक लड़के का नाम है, इसमें आओ सुधीर ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कि सुधीर नाम के लड़के को हम बुला रहे हैं कि आओ सुधीर। ऐसा इस चैप्टर का नाम है। टोटल आप समझ ही सकते हो कि चैप्टर का नाम क्यों ऐसा। आगे चैप्टर में पता चल जाएगा कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों बताया गया है। तो देखो, मैं लेके आया हूँ क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 अही सुधीर बाय मी। और ये है हमारे सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस चैनल। जिससे आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देगा, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन बटन को ऑन कर देना। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम हमारा चैप्टर चालू करते हैं यहाँ पर। चलो तो चलो चैप्टर चालू करते हैं यहाँ पे। तो इसमें टोटल कितने श्लोक जैसे हो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये 1 है, फिर आया हमारा 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और लास्ट में हमारा चैप्टर ओवर। तो ये मैं 4 ही श्लोक पढ़ने, बहुत छोटा है चैप्टर, है छोटा सा है, चैप्टर नहीं बोल सकते, पोएम जैसे बोल सकते हैं हम लोग। चलो, बिना किसी देरी के चालू करते हैं। अही सुधीर अही सुविक्रम। देखो इसमें मतलब कि जो लड़का है वो किस किस को बुला रहा है? अही सुधीर अही सुविक्रम, मतलब कि आओ सुधीर आओ सुविक्रम। देखो, कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम, खेलना डन गच्छा, मतलब कि हमें खेल के मैदान यानी प्ले ग्राउंड में हम जाते हैं ऐसा बोल रहा है। धावा ना कूदे ना चले ना खेलो, मतलब कि देखो धावा ना मतलब क्या होता है? दौड़ना। क्या धावना मतलब? हम दौड़ते हैं ना, वो दौड़ना। कूदेना मीनिंग क्या होता है? देखो, कूदेना मीनिंग क्या होता है? कूदेना मीनिंग कूदना, आप लोग कूदते हो ना, कूदना। फिर ये चले ना मतलब कि चलना, खेलो मतलब कि हमें ये सब खेलना है, उधर जाके कहाँ पर जाके खेलना है? प्ले ग्राउंड में जाके हमें वो सब खेलना है। व्रज क्रायण विदा विंदाम, मतलब कि हमें व्रज जैसा मजबूत होना है, व्रज जैसा मजबूत होना है। क्या वो सब खेल के हमें किसके जैसा? व्रज जैसा मजबूत होना है। किसके जैसा? व्रज जैसा मजबूत होना है। तो देखो, और एक बार हम लोग हमारा रिपीट कर लेते हैं। चलो, और एक बार रिपीट। अही सुधीर अही सुविक्रम, मतलब कि आओ सुधीर आओ सुविक्रम, खेलना डन गच्छा, मतलब कि हमें प्ले ग्राउंड पे जाना है। धावा ना कूदे ना चले ना खेलो, मतलब कि हमें दौड़ना है, हमें कूदना है, हमें चलना है, हमें वो सब खेलना है। व्रज कार्य ना विंदाम, मतलब कि हमें व्रज जैसा मजबूत होना है। क्या हमारे बॉडी को व्रज जैसा एकदम मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है। बस पहले में वही बताया गया है। तो आ जाते हैं हम लोग दूसरे श्लोक पे। तो रुको रुको रुको, ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट और ये है हमारा गुजराती ट्रांसलेट। इसे आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पा लीजिएगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले ही वाले श्लोक में क्या बताया गया था। तो आ जाते हैं हम लोग हमारे दूसरे श्लोक पे। चलो, अही सुशील आए अही मुणाली। देखो, इसमें 2 जन को बुला रहे हैं, जिस पहले का नाम है सुशील है और दूसरे का नाम है मृणालिनी। देखो, कम ऑन सुधीर, देखो अही सुशील है मतलब कि आओ सुशील है अही मुनालिनी, मतलब कि आओ मुनालिनी। 2 जन को बुला रहे, 2 जन को बुलाया, बाद में क्या बोला? पुष्प वाटिका गच्छामम। देखो, पुष्प वाटिका मतलब कि हमारे जो पे क्या कहते हैं, बगीचा, मतलब कि गार्डन पे जाने का बोल रहे। देखो, पुष्प वाटिका यानी जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं। फूल कहाँ पर होते हैं? फ्लावर किधर होते हैं? गार्डन में। और आपको वही जवाब होगा, गार्डन में, मतलब कि देखो पुष्प वाटिका गच्छामम, मतलब कि हमें गार्डन में जाने का बोल रहे हैं। विविधे कुसुमे विद्या माला, मतलब कि क्या बोल रहे हैं? विविधे हमें विविध यानी देखो, विविधे विविध यानी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की फूलों की माला बनानी है। क्या हमें अलग अलग प्रकार की फूलों की माला बनानी है?
विघ्न विनाश, देखो सॉरी हम कहाँ पे थे, हाँ विविधे कुसुमाली माला, मतलब कि देखो कुसुम विद्याया माला, मतलब कि हमें अलग अलग प्रकार के फूलों की माला बनानी है। विघ्न विनाशकम चा, विनाशकम चाम, मतलब कि जो विघ्न विनाशकम कौन है, अभी आने वाले हैं हमारे गणपति जी। गणपति जी की बात की गई है यहाँ पर कि विघ्नहर्ता श्री गणेश, क्या श्री गणेश की बात कही गई है, क्या भगवान श्री गणेश की बात की गई है, हमें विघ्न को नाश करने वाले को हमें प्रार्थना करनी है, क्या वो माला बनाने के बाद हमें क्या करनी है, विघ्नों को नाश करने वाले यानी श्री गणेश की हमें प्रार्थना करनी है, वो सब बताया गया है इस चैप्टर में, इस वाले श्लोक में। तो और एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, देखो अहि सुशीले अहि मृणालिनी, मतलब कि आओ सुशीले आहो मृणालिनी पुष्प वाटिका गच्छाम, मतलब कि हमें बगीचे में, बगीचा यानी क्या कहते हैं गार्डन में जाना है, क्या हमें गार्डन में जाना है। विविधे कुसुमे विद्या माला, मतलब कि हमें कहाँ पर वो अलग अलग प्रकार की फूलों की माला बनानी है। विघ्न विनाशकम चाम, मतलब कि हमें विघ्न को नाश करने वाले श्री गणेश की प्रार्थना करनी है, क्या विघ्नों के नाश करने वाले श्री गणेश की हमें प्रार्थना करनी है, बस वही बताया गया है इसमें। तो ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेट और ये है हमारा गुजराती ट्रांसलेट। बिना किसी देरी के आप लोग कर लीजिए, इससे स्क्रीनशॉट पा लीजिएगा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इतनी देर में। तो चलो तीसरा वाला चालू करते हैं हम लोग यहाँ पर। अहि दिनेश प्रणव गणेश, देखो इस पहले तो हमने देखा कि दो दो, दो जन को ही बुला रहे हैं, अभी इसमें बुला रहे हैं पूरे तीन जन को, कितने पूरे तीन जन को बुला रहे हैं। अहि दिनेश प्रणव गणेश, मतलब कि आओ दिनेश प्रणव गणेश, तीन जन को एक साथ बुला रहे हैं। ज्ञान नीति संचिन युवाम, मतलब कि देखो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान का खजाना हम लोग देखते हैं, मतलब कि मेरा होते हैं, मतलब कि लेते हैं ज्ञान का खजाना। ज्ञान यानी मतलब कि ज्ञान यानी क्या होता है आपको पता ही होगा, नॉलेज, नॉलेज का खजाना हमें लेते हैं। अहि शारदे गिरिजे वरदे, मतलब कि देखो अभी इसी श्लोक में हम दूसरे लोग को भी बुला रहे हैं, कौन किसको, शारदे को बुला रहे हैं, फिर गिरिजे को बुला रहे हैं और बाद में वरदे को बुला रहे हैं, क्या आओ शारदे आओ गिरिजे आओ वरदे ज्ञान वारिदो विरामः, मतलब कि क्या हमें ज्ञान के यानी नॉलेज के समुद्र में हमें आगे बढ़ना है, क्या ज्ञान के समुद्र सी में हमें आगे बढ़ना है, क्या नॉलेज के सी में हमें आगे बढ़ना है यानी तैरना है हमें उसमें, क्या हमें उसमें तैरना है, वही बताया गया है। तो और एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए, और एक बार रिपीट, चलो अहि दिनेश प्रणव गणेश, मतलब क्या बोला गया इसमें कि आओ दिनेश आओ प्रणव आओ गणेश ज्ञान निधि संचिन युवाम, मतलब कि देखो क्या बोला गया है कि हमें जो ज्ञान यानी नॉलेज का खजाना है वो हमें चाहिए, क्या ज्ञान का नॉलेज का खजाना हमें चाहिए। अहि शारदे गिरिजे वरदे, मतलब कि आओ शारदे आओ गिरिजे आओ वरदे ज्ञान वारिदो विरामहम विहराम, सॉरी विरामह नहीं विहराम। देखो मतलब कि क्या बोला गया है कि हमें ज्ञान के सी में, सी यानी क्या होता है समुद्र, क्या सी यानी क्या होता है समुद्र, मतलब कि हमें नॉलेज के सी में हमें तैरना है, आगे बढ़ना है, तैर के आगे बढ़ना है। चलो ये तो पता चल ही गया होगा आपको, चलो और एक बार मैं बोल देता हूँ आपके लिए कि ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेट और ये रहा आपका गुजराती ट्रांसलेट। बिना किसी देरी के आप लोग कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट पा लीजिएगा, पढ़ ही लिया होगा। चलो हमारा आखिरी वाला श्लोक पे हम लोग आ जाते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं हमारा आखिरी वाला जो, देखो तनवा मानसा हित चरंत, मतलब कि देखो तनवा मानसा हित चरण, मतलब कि अपने लोगों को, अपने लोग को अपना शरीर और मन का देखो, मतलब कि देखो पहले वाले में, पहली लाइन में क्या बताया गया है कि अपने को, क्या अपने को अपना शरीर और मन दूसरे लोग के लिए अच्छा रखना चाहिए, क्या अपने को अपना बॉडी और माइंड दूसरे लोगों के लिए अच्छा रखना चाहिए। देखो और एक बार मैं समझा लेता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया होगा।
चलो और एक बार समझा देता हूँ मैं। देखो और एक बार समझो कि क्या बोला गया है अपने को, कि अपने को अपना बॉडी और अपना माइंड, क्या अपने को अपना बॉडी और अपना माइंड दूसरे लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं वैसा रखना चाहिए। अच्छा दूसरे लोगों के लिए अपने को अच्छा मतलब कि सोचना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। सदा गुरु न अगच्छाम अनुगच्छाम, देखो सदा गुरु न अनुगच्छाम यानी हमको हमारे टीचर की बात माननी चाहिए, हमको हमारे टीचरों की बात माननी चाहिए, सिंपल है। यहाँ पर भारत मातृ सेवा सत्कर्म, देखो हमें भारत माता की सेवा करनी चाहिए, तो बहुत इजी वाली लाइन है, आपको भी आता होगा, भारत माता सेवा सत्काम कार सत्कार। देखो मतलब कि हमें भारत माता की सेवा करनी चाहिए। देश हितात जीवानम, मतलब कि हमें देश के अच्छे के लिए हमें जीना चाहिए, क्या देश के अच्छे के लिए हमें जीना चाहिए। देखो बहुत इजी वाली लाइन है ये, तो बहुत इजी वाला, मेरे को पहले लगा, मेरे को खुद को लगा कि हार्ड है, पर ये बहुत इजी वाला है। चलो और एक बार रिपीट हमारा, और एक बार रिपीट। चलो तन्वा मानसा हित चरण, मतलब कि हमें अपना बॉडी और माइंड दूसरे लोगों के लिए अच्छा रखना चाहिए। सदा गुरु ने अनुगच्छा, मतलब कि हमें हमारे टीचर की बात माननी चाहिए। भारत मातृ सेवा सत्कार, मतलब कि हमें भारत माता की सेवा करनी चाहिए, उसको उनका सम्मान करना चाहिए। देखो सेवा और सत्कार, सेवा का मीनिंग क्या होता है, हमें सेवा करनी चाहिए, और सत्कार यानी सम्मान करना चाहिए, क्या सम्मान करना चाहिए। देश हितार्थ जीवनम, मतलब कि हमें देश के अच्छे के लिए जीना चाहिए, क्या हमें देश के अच्छे के लिए जीना चाहिए। वेल बींग, मतलब कि अच्छे के लिए जीना चाहिए हमें, तो आपको पता चल ही गया होगा दूसरे लास्ट वाले श्लोक में, चलो पता चल गया होगा। तो ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेट, ये रहा इंग्लिश ट्रांसलेट, और ये रहा गुजराती ट्रांसलेट, कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलो अभी मैं गुजराती मीडियम के लिए और एक बार रिपीट कर लूँगा सारे वाले श्लोक, तो आप देख लीजिएगा वापस, मैं कर लेता हूँ गुजराती मीडियम के लिए वापस एक बार श्लोक रिपीट कर रहा हूँ, और एक बार रिपीट में वापस श्लोक। चाल सुधीर आओ सुधीर आओ सुविक्रम चालो रमतना मैदान में जाइए, मतलब कि ये बोले थे कि आओ सुधीर आओ सुविक्रम चालो रमतना मैदान में जाइए, चालो दौड़िए कूदिए चालो रमिए, एवं बोले छे कि आपणे कूदवू छे रमवू छे दौड़वू छे रमतना मैदानमां। वृद्ध जेवू मजबूत शरीर बनावू छे, कोना जेवू, वृद्ध जेवू मजबूत शरीर बनावू छे। चलो अजी एक बार रिपीट कर लईए, शू कहे छे, चलो अजी एक बार रिपीट कर ले। देखो आओ सुधीर आओ सुविक्रम, शू आओ सुधीर आओ सुविक्रम, आपणे रमतना मैदानमां जईए, चालो दौड़िए कूदिए चालो रमीए, एवं बोले छे, एने कहे छे वृद्ध जेवू मजबूत शरीर बनावानुं कहे छे, केना जेवू, वृद्ध जेवू मजबूत शरीर बनावानुं कहे छे। न तो खबर पड़ी ज गई हशे तमने। चलो આગળ વધીએ, આવો સુશીલા આવો મૃણાલિની ચાલો બગીચામાં જઈએ, ક્યાં આવો સુશીલા આવો મૃણાલિની ચાલો બગીચામાં જઈએ, વિવિધ પ્રકારના ફૂલોની માળા બનાવીએ અને વિઘ્નોના નાશ કરનાર શ્રી ગણેશની પ્રાર્થના કરીએ। દેખો કેટલું ઇઝી છે આ તમારા માટે, જો હજી એકવાર હું રિપીટ કરી દઉં તમારા માટે, જો ચાલ સુશીલા આવો મૃણાલિની ચાલો બગીચામાં જઈએ, વિવિધ પ્રકારના ફૂલોની માળા બનાવીએ અને વિઘ્નોના નાશ કરનાર શ્રી ગણેશની પ્રાર્થના કરીએ। દેખો આ બંનેને બોલાવે છે, બગીચામાં જવાનું કહે છે, ફૂલોની માળા બનાવવાનું કહે છે, અને ભગવાન શ્રી ગણેશની પ્રાર્થના કરવાનું કહે છે, બહુ ઈઝી છે। ચલો આગળ વધીએ, આવો આવો દિનેશ પ્રણવ ગણેશ ચાલો જ્ઞાનના ખજાનાને મેળવીએ, શું કહે છે, જ્ઞાનનો જે ખજાનો છે એને આપણે મેળવવાનું છે, આવો શારદા ગિરિજે વરદા ચાલો જ્ઞાનના સમુદ્રમાં તરીને આગળ વધીએ। મતલબ કે જો પહેલાં શું કહે છે કે આપણે લોકો આ ત્રણેયને શું કહે છે કે આપણે લોકો જ્ઞાનનો ખજાનો મેળવીએ, આપણે લોકો જ્ઞાનનો ખજાનો મેળવીએ, અને પછી આ ત્રણેયને એવું કહે છે કે ચાલો જ્ઞાનનો સમુદ્રમાં તરીને આગળ વધીએ, બસ એટલું જ છે। ચલો
હવે લાસ્ટ વાળાને ગુજરાતી કરી લઈએ આપણે. આપણે આપણા શરીર અને મનથી લોકો માટે સારું કરી રહ્યા છે. દેખો એ પોતાને જ મતલબ કે ઇન્સ્પાયર કરે છે કે આપણે આપણા પોતાના શરીર અને મનને લોકોને સારું કરી રહ્યા છે. ચાલો આપણા શિક્ષકોને અનુસરીએ, મતલબ કે આપણે આપણા શિક્ષકોની વાત માનીએ. ભારત માતાની સેવા કરવી જોઈએ અને તેનું સન્માન કરવું જોઈએ. દેશના સુખારી માટે જીવીએ, મતલબ કે આપણે દેશના સારા માટે આપણે જીવવું જોઈએ. જો બહુ બીઝીવાળું છે તો અહીંયા જ આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. યહાં પે અપના ચેપ્ટર ખતમ હો રહા હૈ ગાઈસ. તો યહાં પે ચારો ચાર શ્લોક મેં આપને અચ્છે સે સમજાયા, આપકો સ્ક્રીનશોટ ભી લે દીયે આપકો. તો ચલો યહાં પે હમારા ચેપ્ટર ખતમ હોતા હૈ ગાઈસ. ગાઈસ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સિગ્મા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એક્સિલેન્સ. આપકો વિડિયો અચ્છા લગા હો તો હમારે વિડિયો કો લાઈક કરના ઓર ચેનલ કો સબસ્ક્રાઈબ કરના. ક્યા ચેનલ કો સબસ્ક્રાઈબ કરના. और ये है YouTube की चैनल, आपको पता ही होगा, आप YouTube में ही देख रहे हो. और ये है हमारा क्या कहते हैं Instagram की चैनल है, जिसमें जाके आप फॉलो भी कर सकते हो हमको. इसको तो आप जानते ही होगे, हमारा सिग्मा का लोगो है. तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.